इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग देने जा रही हूँ। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी, जिसे कल सीबीआई ट्रैक नहीं कर पा रही थी, अब फाइनली ट्रैक कर पाई है और अब सिद्धार्थ पिठानी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो रहा है। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी डीआरडीओ के गेस्ट हाउस, जहाँ सीबीआई की टीम रुकी हुई है, ठहरी हुई है, वहाँ सिद्धार्थ पिठानी को बुला लिया गया है। पहले से ही नीरज कुक से, जो है सुशांत सिंह के कुक से, पूछताछ कल भी हुई थी, आज भी हो रही है और अब सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ शुरू हो रही है। साथ ही आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे सवाल अभी भी हैं जो कि आपको नहीं पता है, जो कि सिद्धार्थ पिठानी से पूछे जा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरह से ये कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जिन्होंने सुशांत की बॉडी को नीचे उतारा। अब उतारा या नहीं उतारा, क्यों उतारा, अपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, ये सारे सवाल बहुत अहम हैं। साथ ही आपको ये बता दूं कि चाबी वाले को सिद्धार्थ पिठानी ने बुलाया था, चाबी वाले को गलत फोटो भेजा। जी हाँ, सबसे बड़ी बात, गलत फोटो भेजा, गलत रूम के, दूसरे रूम के दरवाजे का फोटो भेजा चाबी वाले को और कहा कि इसकी चाबी जो है आपको इस दरवाजे को खोलना है। ये चाबी वाले का ये बड़ा खुलासा था। साथ ही आपको ये बता दूं कि क्या सिद्धार्थ पिठानी को पहले से पता था कि अंदर रूम के कुछ जो है अनहोनी हुई है, कुछ हुआ है, क्यों चाबी वाले को गेट खोलने नहीं दिया। साथ ही आपको ये बता दूं कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी की भी तालमेल बहुत अच्छी थी। सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती दवाइयाँ मंगवाती थी और सिद्धार्थ पिठानी दवाइयाँ दिया करते थे। सिद्धार्थ ने ये भी कहा कि दो दवाइयाँ, दो टैबलेट्स वो जाकर सुशांत को देते थे। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से उन्हें नहीं पता कि ये दवाइयाँ किस चीज़ की हैं। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको ये नहीं पता कि किस चीज़ की दवाइयाँ आप दे रहे हैं। फिर साथ ही आपको ये बता दूं कि सुशांत सिंह के परिवार के लॉयर विकास सिंह ने ये सवाल उठाया कि आखिर ये बंदा जो है बार बार अपने स्टेटमेंट्स क्यों बदल रहा है। पहले परिवार के फॉर्म में था, परिवार का साथ दे रहा था, फिर रिया के फॉर्म में चला गया, ये आखिर किस तरह का बंदा है। ये भी बताया कि किस तरह से सुशांत के चिता को जब आग लगाया जा रहा था तो ये बंदा यानी कि सिद्धार्थ पिठानी फोटो खींच रहे थे, तस्वीरें खींच कर किसी को भेज रहे थे। ये सारे सवाल हमने आपको ये भी बताया कि इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने उन्होंने सुशांत सिंह का फैन क्लब घोषित कर दिया, क्यों, क्या वजह रही, क्यों पूरे पुराने डिटेल्स पोस्ट डिलीट कर दिए। बहुत बड़े बड़े सवाल, भले ही आपके और मेरे आंखों से बहुत सारे सवाल चूक गए होंगे, लेकिन सीबीआई की आंखों से नहीं चूकेंगे। अब सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई के शिकंजे में हैं। बहुत बड़े अहम सवाल, सवालों के जो जवाब है वो सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई को देना होगा।